तो बच्चों क्लास 12 का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमाइंस चैप्टर से सवाल है, एनसीईआरटी बुक से। प्रीवियस सवाल भी कुछ हमने करवाया है, आप प्लेलिस्ट में चेक करते जाइएगा, ठीक है। और यहां से कंटिन्यू करते जाना है, अपने जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑर्गेनिक में होता है ना कि जितना ज्यादा आप बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, उतना ही थ्योरी में भी पकड़ आपका बनेगा। इसलिए ऑर्गेनिक के हरेक सवाल को एनसीईआरटी में जरूर आप लोग सॉल्व करिए, ताकि प्रैक्टिस आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। यहां पर यह सवाल है कि राइट रिएक्शंस ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन। एनिलीन यानी कि हम लोगों को बेंजेनामीन दिया हुआ है, उसका हम लोगों को अल्काइलेशन कराना है किसके साथ, तो विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो यहां पर दिया हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ। सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये तो एक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। सॉल्ट का रिएक्शन, सॉल्ट तो आयंस में टूटता है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन होगा। आयंस का रिएक्शन तो आयनिक में ही होगा। जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो आयनिक फेज में जाएगा तभी तो आयंस का रिएक्शन होगा। चलिए देखते हैं। तो अमोनिया से आप लोग अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया जरूर पढ़े होंगे, हॉफमन अमोनोलाइसिस, है ना। जिसमें अमोनिया का अल्काइलेशन कराते हैं तो हम लोग को प्राइमरी एमीन मिलता है, फिर अल्काइलेशन कराते हैं सेकेंडरी एमीन मिलता है, फिर अल्काइलेशन टर्सरी एमीन मिलेगा, फिर अल्काइलेशन कराएंगे यानी एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं अगर, तो हम लोग को अंतिम में क्वार्टरनरी एक सॉल्ट बनता है ना। तो मैकेनिज्म तो जनरली यही है कि हमारे पास कोई एक हमारा अमोनिया या फिर कोई एक प्राइमरी अमाइन या कोई भी अमाइन रहे, तो नाइट्रोजन पर यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। इधर हमारे पास एक हेलो अल्केन है। हेलो अल्केन में आप जानते हो कि ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आएगी, तो ये अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। यानी कि सिंपल बात है कि यहाँ पर एक क्या कहते हैं, यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा और ये लोन पर अपना इलेक्ट्रॉन अपना देगा उसको, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज यानी कि लुईस एसिड की तरह वो काम कर रहा है ना। ये लुईस बेस है, वो कंजुगेट एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लुईस बेस है और ये एसिड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है क्या होगा कि यहाँ पर ये रिएक्शन किया, तो सिंपल बात है भाई, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो R से हमारा जो है, ये N तो पहले जुड़ा हुआ ही था, मान लीजिए इसको R डैश, ये यहाँ पर R डैश आके जुड़ गया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो तो हमारा हाइड्रोजन दो गो पहले मान लो कि है, यहाँ पर एक क्या जुड़ गया, यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। क्यों भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो चार्ज पर क्या आएगा, प्लस। अब फिर जाकर के क्या होगा, यहां से ये हमारा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, N प्लस है तो N प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये H प्लस बन के निकलेगा। तो फाइनली हमारा ये बन जाएगा R, यहाँ पर एन एच, यहाँ पर R डैश, फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, प्लस यहाँ से जो एच प्लस निकला और यहाँ जो एक्स माइनस निकल रहा है, ये जो X माइनस यहां से निकला एच एक्स बन करके यहां पर ये निकल जाएगा। तो ये प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन, इसी प्रकार से सेकेंडरी से टर्सरी और इसी प्रकार से टर्सरी से क्वार्टरनरी एक सॉल्ट बनेगा। तो यहां पर इसी प्रोसेस का यहां पर इस्तेमाल होगा इस रिएक्शन में। हमारा सवाल क्या कह रहा है, राइट रिएक्शंस ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन। हमारे पास एनिलीन है, ये हमारा एनिलीन है, ये हमारा यहां पर एनिलीन है, बेंजेनामीन हमारा एनिलीन होता है, ठीक है। एनिलीन का हम लोग सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड के साथ जो है अल्काइलेशन कराते हैं, यानी CH3I मिथाइल आयोडाइड हो गया, अल्काइलेशन कराएंगे। तो वही कहानी, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, HI बाहर निकलेगा यहां से, HI यहां से बाहर निकलेगा, अल्काइलेशन हो रहा है, तो अल्काइलेशन के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बन जाएगा एक सेकेंडरी अमाइन, यहां पर N से CH3 आके जुड़ जाएगा और इस पर एक H यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये बना N मिथाइल एनिलीन, क्या बन गया यहां पर, ये N मिथाइल एनिलीन बना, ठीक है।
अब इस एन मिथाइल एनिलीन को हम लोग फिर से डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मिथाइल आयोडाइड एक्सेस फेज में है, तो ये मिथाइल आयोडाइड फिर से रिएक्शन करेगा। ये मिथाइल आयोडाइड है, फिर रिएक्शन करेगा, फिर से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा इस साइड, है ना। तो यहाँ पर ये लोन पेयर अपना फिर इसको डोनेट करेगा, ये भी मिथाइल यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ से भी एच आई बाहर निकलेगा, एच आई यहाँ से भी बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद यहां पर जो अब की बार प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा प्रोडक्ट सी, यहां पर तो N है, इधर तो CH3 पहले से था, एक और CH3 आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ये बन गया एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है, बन गया। अब ये एन एन डाइमिथाइल एनिलीन है, अभी भी इस नाइट्रोजन पर यहां पर लोन पेयर है, फिर से रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास मिथाइल आयोडाइड तो एक्सेस फेज में है, तो एक्सेस है यहां पर, तो फिर से ये मिथाइल आयोडाइड से करेगा रिएक्शन, फिर वही कहानी यहां पर। लेकिन इस बार क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा मिथाइल को, तो यहां पर क्या बनेगा, इस बार यहां पर एच तो है नहीं इसके पास, इस बार हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोजन से, यहाँ पर एक मिथाइल था ही, यहाँ पर एक मिथाइल यहाँ पर और लग गया, था ही पहले से, एक और मिथाइल यहाँ पर आके लग गया, लेकिन इस पर नाइट्रोजन यानी सेंट्रल एटम पर चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो ऐसे ही हम लोग होल यहाँ पर चार्ज क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे, और इसी के आयनिक बॉन्ड से लिंक्ड हो जाएगा यहाँ पर कौन, आयोडीन, यहाँ पर आयोडाइड यानी कि आई माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बना, इसको क्वार्टरनरी सॉल्ट बोलते हैं, यहाँ पर ये 4 डिग्री है ना, अमाइन जो यहाँ पर है वो तो 4 डिग्री हो गया ना, इसको क्वार्टरनरी सॉल्ट बोलते हैं, इसको बोलेंगे एन 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 ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयन इसको बोलेंगे, और एनिलीनियम आयोडाइड है यहाँ पर, तो इसका नाम देंगे हम लोग एन 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 ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, इसका नाम हो गया। तो यहां पर हमारा फाइनल एल्काइलेशन तो हो गया, अभी फाइनल एल्काइलेशन में सवाल में एक बात और कमी है कि ये फाइनल एल्काइलेशन सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग एक लास्ट पॉइंट भी लेने वाले हैं, इसका फाइनल प्रोडक्ट हम लोग सोडियम कार्बोनेट से करवाएंगे, तो चूंकि ये भी एक क्वार्टरनरी सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट भी यहां क्वार्टरनरी सॉल्ट है, और सोडियम आयन में एक खासियत है कि सोडियम जो हमारा मेटल है वो मोस्ट जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हमारा आयोडीन है उसके प्रति कुछ ज्यादा ही इफिशियंट होता है ना। तो जो मेटल्स होते हैं अल्कली मेटल्स, उसका हेलोजन से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो टेंथ में पड़े होंगे, यहां पर वही होगा, है ना। इसका वहां से एनायन आएगा कार्बोनेट, इसमें आ जाएगा, और यहां का एनायन जो है ये आयोडाइड सोडियम में लग जाएगा, तो सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। तो हम यहीं पर इसको हम आगे एरो करवा देते हैं, यहां क्या करते हैं सोडियम कार्बोनेट यहां पर डालते हैं Na2CO3, ठीक है ना। तो हमारा जो ये हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से, CH3 CH3 CH3, ये तो हमारा था कौन चीज, ये था हमारा NN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयन था, इसमें लग जाएगा यहां पर कार्बोनेट आयन, इस पर क्या होता है CO3 2- होता है, क्रॉस वैलेंसी रूल से तो जानते हो कि इसकी वैलेंसी यहां आएगी होल टू हो जाएगा, और इस पर तो चार्ज प्लस वन है, तो ये कार्बोनेट हमारा CO3 ही रह जाएगा इस तरह से। तो इसका नाम हो गया NNN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम कार्बोनेट, क्या नाम पड़ गया NNN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम कार्बोनेट बन गया। निकलेगा क्या यहां से, तो यहां से सोडियम आयोडाइड यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, एल्काइलेशन का प्रोडक्ट है, जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड से करवाया, और वो भी सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बना हमारा NNN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो सवाल तो बहुत ही इजी था, सवाल इजी तब रहता है जब आप प्रैक्टिस बार बार करते हो इन एग्जांपल्स की, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस लगातार बनाए रखिए, ठीक है, हम आपका साथ देते रहेंगे,
बाद बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके दोस्तों को जरूरत हो तो चैनल को जरूर शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपकी तैयारी के लिए गुड लक।